बाबा देखो तुम लोग को फिर से समझा देते हैं, दो बार समझाए एक बार और अच्छा समझा देते हैं। कोई लोचा है? देखिए आप लोग को दृष्टि दोष का आज हम तीसरा प्रकार पढ़ा रहे हैं, जरा दृष्टि दोष। ये जो बीमारी होता है सबसे बुढ़ौती में उत्पन्न हो जाता है। कहां भगवान? बुढ़ौती में। तो इसीलिए कह लीजिए चिटिया बुढ़ौती वाला बीमारी, आप लोग एग्जाम में लिखना है, आपको यही लिखना। तो देखिए सर बुढ़ौती में होता क्या है कि आंख का जो समंजन क्षमता होता है ना वो घट जाता है। समंजन क्षमता क्या होता है पीछे बता चुके हैं। तो समंजन क्षमता घट जाएगा तो ना आप नजदीक की वस्तु को ठीक से देख पाते और ना ही दूर की। देखिए ना इसका नाम है लिखा हुआ है जरा दृष्टि दोष। जरा यानी जरा सा नजदीक का दिखेगा, जरा सा नहीं के दूर का दिखेगा। इस बीमारी में जो बुढ़ोती में हो जाती है बीमारी, तो बूढ़ा सबको मतलब बूढ़ा सब बोला ना चाहिए, बोलने के लिए बोला जाता है, समझ में आया? तो जो बूढ़ा लोग होते हैं ना उसको ना दूर का क्लियर दिखेगा और ना ही नजदीक का, बस तभी से नजदीक दिखेगा तभी से के दूर दिखेगा। इसीलिए इसके नाम से एक परिभाषा बना सकते हैं जरा दृष्टि दोष, यानी जरा सनी नजदीक दिखेगा जरा सनी के दूर दिखेगा, समझ में आ गया? तो इसका परिभाषा क्या होता है? तो इसका परिभाषा भी हम लिखाए हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आंखों की समंजन क्षमता घट जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ आंखों की समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे व्यक्ति न दूर की वस्तु को साफ दिख पाता है और न ही नजदीक की वस्तु को साफ से देख पाता है। आंख में होने वाले दोष को क्या कहते हैं बउआ? जरा दृष्टि दोष। अब इसमें होता क्या था, आप लोग जानते हैं कि नजदीक की वस्तु को देखने के लिए उत्तल लेंस चाहिए और दूर की वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस, यानी क्या चश्मा लगाना पड़ेगा? अब बुढ़ौती में बुढ़वा सब जाता है चाय पीने के लिए। अब मान लीजिए उसको चाय पीना है तो उसको दूर तो दिखना नहीं, अब दूर देखना है तो कौन सा लेंस लगेगा? नजदीक वाला। नजदीक के लिए हम लोग लगाते हैं उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस लगा दिए, अवतल लेंस वाला रख दिया, अब बुलाया बैठ गया चश्मे को, अब बुढ़ा सब बहुत चल लो बोलता है दिमाग लगाया कि हम क्या करें, ऐसा करते हैं कि एक ही चश्मा में दोनों लेंस लगा दो, अवतल उत्तल दोनों, दूर देखना होगा अवतल लगा लेगा, सॉरी दूर देखना होगा अवतल यूज हो जाएगा, नजदीक देखना होगा उत्तल हो जाएगा। तो उन्होंने एक ही चश्मा में दो लेंस लगा, अब वो चश्मा यहाँ बनाए, हम यहाँ देख सकते हैं। ये चश्मा नहीं तय होगी आदित्य शाहरुख खान का चश्मा है, ये रोबोट वाला है ना, रोबोट वाला रजनीकांत वाला चश्मा, रजनीकांत वाला अपना यहाँ है, ठीक है? ये चश्मा में आता है, ये चश्मा बुढ़ौती वाला चश्मा है, इसमें ऊपर लगा रहता है नीचे होता है। अब ऊपर अवतल कहा देखिए, आपको नजदीक देखना होगा तो आप नजर कहाँ करिएगा? नीचे करिएगा, आपको पता नजदीक देखने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? उत्तल। इसलिए नीचे वाला कौन सा लेंस लगता होगा? उत्तल। और दूर देखना होगा, देखिए दूर जैसे देखना पड़ेगा आंख को ऐसे करेगा, यानी ऊपर के हिस्सा से ज्यादा हमको दूर दिखता है, इसलिए ऊपर में कौन सा लेंस लगाते हैं सर? अवतल लेंस। ऊपर में अवतल, नीचे में उत्तल लेंस लगाते हैं। अब हो गया झमेला फिनिश, बुढ़ौती में कई चश्मों में दोनों लेंस फिट हो गया, ऊपर में अवतल नीचे में उत्तल। तो इस प्रकार जरा दृष्टि दोष को दूर कर सकते। अब इसमें जो है बउआ है दो लेंस लगाते हैं, इसीलिए ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ आप लोग के एग्जाम कि जरा दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगाते हैं। तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग दो लेंस का फोकस होता है, दो लेंस लगाते हैं, इसीलिए जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ड्यूफोकसी लेंस या इसी को कहते हैं बउआ बाइफोकल लेंस कहते हैं, यानी जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा चश्मा लगाते हैं बोले ड्यूफोकसी लेंस या बाइफोकल लेंस, और ये MMI यानी महा महा इंपोर्टेंट होते हैं। तो चलते हैं, अब हो गया आप लोग का जरा दृष्टि दोष कंप्लीट, इसके बाद चलेंगे हम लोग अभिन्दुकता पे। तो चलिए आप लोग इसका डायग्राम बताते हैं।